हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्रभास इस फिल्म में राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि सैफ अली खान फिल्म में लंकेश का किरदार निभाएंगे। लंकेश का किरदार निभाने को लेकर सैफ अली खान ने क्या कहा था, उसको लेकर क्या कुछ बवाल हुआ था, ये तो हम आपको याद दिलाएंगे ही। उससे पहले आपको बता दें कि आदि पुरुष के सेट पर आग लगने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। किसी के घायल होने की, किसी के जान जाने की खबर तो नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल तौर पर प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, सब जानते हैं आदि पुरुष एक पीरियोडिक फिल्म होने वाली थी, इसमें भव्य सेट्स दिखाए जाने वाले थे। अरे भाई, उस दौर को इस दौर में प्रस्तुत करने में कितनी कुछ मेहनत की जानी थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको याद होगा तानाजी, अगर आपने देखी हो, उसमें जिस तरह के सीन्स दिखाए गए थे वो एक्चुअल में थोड़ी फिल्माए गए थे। उनमें से ज्यादातर सीन्स ऐसे थे जो VFX की मदद से फिल्माए गए थे, और उस VFX को क्रिएट करने के लिए आपको पूरा एक सेटअप तैयार करना पड़ता है। ग्रीन कलर का क्रोमा आपका होता है, जिसके पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में एडिटिंग के टाइम पर। तो कुछ ऐसा ही भव्य सेट, बड़ा सा ग्रीन क्रोमा और जो पूरा सेटअप था वो तैयार किया गया था आदि पुरुष के सेट पर, लेकिन ये सब जलकर राख हो गया है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, प्रोड्यूसर्स का कहना है कि बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई करने में उन्हें वक्त लगेगा। आपको यह भी बता दें कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को आदिपुरुष की शूटिंग का पहला दिन था, और पहले ही दिन ये बुरी खबर सामने आई। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में फिल्म की शूटिंग पर इसका असर तो पड़ेगा ही, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इसका आंकलन भी फिलहाल जारी है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि सैफ अली खान, प्रभास और जो मेन स्टार्स हैं वो सेट पर मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ, बाकी की टीम जरूर सेट पर मौजूद थी, जिसको मौके से बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर घंटों की मशक्कत के बाद जैसे तैसे काबू पाया गया। तो ये एक बुरी खबर है जो आदि पुरुष से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, फिल्म में सैफ अली खान लंकेश का किरदार निभाएंगे, और उन्होंने कुछ 15-20 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, या ये कह लीजिए कि इंटरव्यू थोड़ा सा पहले दिया था, बवाल 15-20 दिन पहले बहुत जबरदस्त हुआ था। आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था कि हम लंकेश के किरदार को इस तरीके से दिखाएंगे कि उसने बदले की भावना से वो सारी चीजें की थी, और जो बयान सैफ अली खान का था वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि वो बहुत मानवीय ढंग से लंकेश का किरदार बड़े पर्दे पर निभाने जा रही है। इसको लेकर सैफ अली खान ट्रोल हुए थे और लोगों ने कहा था कि रावण तो रावण ही है, उसकी तारीफ आप कैसे कर सकते हैं। और जिस तरीके से सैफ अली खान ने यह बयान दिया है, ओम राउत जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे सोशल मीडिया पर यूजर्स गुहार लगा रहे थे कि सैफ अली खान को फिल्म से बाहर करो। लेकिन फिलहाल स्टारकास्ट वही की वही है, शूटिंग शुरू हो गई लेकिन फिर यह आग लगने की बुरी खबर आ गई। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ज्यादा नुकसान प्रोड्यूसर्स को ना हुआ हो। इन सबके बीच आप बताइए, आदि पुरुष फिल्म को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।